तो चलिए हम लोग प्राचीन भारत को देख चुके थे इसमें, ठीक है। आज हमें बात करनी है मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। याद रखिए ये भी आपकी रिवीजन के पॉइंट व्यू से ही क्लास है, ठीक है। तो आपकी इसके बाद केवल बचती है मध्यकालीन भारत के बाद आधुनिक भारत, उसे कवर करने के बाद आपका खत्म है। आप लोगों को बस पढ़ना है, मेरी तरफ से जितना था उतना मिल गया है आप लोगों को, ठीक है। विस्तार से आप कहें तो बहुत पढ़ा चुका हूँ विस्तार से, तो आपका पूरी NCERT खत्म करती हैं, किरण सामान्य ज्ञान बुक्स बहुत बढ़िया बुक्स है आप लोगों के लिए, लूसेंट। अगर किरण सामान्य ज्ञान बुक्स आपके आसपास मिल रही हो तो उसे खरीद लें, बहुत बढ़िया लिखी गई है, विस्तार से लिखी गई है। मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद कोई क्वेश्चन आपका वनडे एग्जाम का छूटेगा उसे पढ़ने के बाद। याद रखिए क्विक रिविजन के नाम से आपकी प्लेलिस्ट भी सूची बनी हुई है, तो उसी में सभी डले हुए हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास, तो सबसे पहले बात करते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण देखते हैं। भारत पर मुस्लिम आक्रमण, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ तो ये देखेंगे 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी, 632 ईस्वी में। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ, 570 ईस्वी, माफ करिएगा थोड़ा, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म 570 और मोहम्मद साहब की मृत्यु सही तो है 632 ईस्वी में हुई। मक्का है सऊदी अरब में, मक्का कहाँ है सऊदी अरब में। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग प्रथम बार प्रयोग किसने किया था, अरबों ने, अरबों ने, ठीक है। आप जानते हैं एक महासागर भी है हमारा कि जिसका नाम हमारे भारत के ही नाम पर है, हिंद महासागर। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ 711 ईस्वी में, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ 711 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय की गई 712 में, जो 711 का हुआ था वो असफल रहा था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय की गई थी 712 में। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, इनको याद रखना, ये क्वेश्चंस आपके कई बार पूछ लिए गए। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे अरब। गजनी राजवंश का संस्थापक था अल्पदगीन, ठीक है। चंदेल शासक महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था, विद्याधर, कौन, विद्याधर। कथन एक कारण आर, मोहम्मद महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, बिल्कुल सही है। वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासक की स्थापना करना चाहता था, बिल्कुल गलत है। एक क्या थे ये, अपना एक तो धर्म प्रचार प्रचार करने के लिए आए हुए थे, विस्तार करते थे अपने धर्म का अन्य क्षेत्रों में, और जो लूट पूट के लिए आते थे, ठीक है। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहास कार कौन था, उत्वी। शाहनामा का लेखक फिरदौसी संबंधी था महमूद गजनवी के दरबार से। महमूद गजनवी गजनी के साथ भारत में आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार एवं मुस्लिम विद्वान कौन था, अलबरनी। अलबरनी भारत में आया था 11वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी ईस्वी में। अलबरनी के संबंध में सत्य कथन है, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ भी था, ये सभी कथन इसके बारे में सही है। आप देखेंगे कि इसमें वो ही क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं, या तो पूछे जा चुके हैं या पूछने की पूरी संभावना है आगे वाली परीक्षाओं में। इसलिए तो कह रहा हूं कि आप 4 से 5 साल के क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए, जिस भी परीक्षा की आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें वही क्वेश्चंस लिए गए हैं, ठीक है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, अलवरनी। एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए महमूद गजनवी ने। मध्य एशिया का शासक जिसने 1192 में उत्तर भारत को जीता था, ये था सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी कहते हैं, इसका पूरा नाम सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम पराजित किया था भीम द्वितीय अथवा मूलराज द्वितीय ने। याद रखिए जो आपका तराइन का पहला युद्ध हुआ था इसमें मोहम्मद गौरी हारा था, लेकिन द्वितीय जो युद्ध हुआ था तराइन का इसमें मोहम्मद गौरी जीता था, और ये 1191 में पहला, दूसरा 1192 में। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था, ये चंदावर के युद्ध में 1194 में।
वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति स्थापित हुई, तराइन का द्वितीय युद्ध। भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का सही क्रम है महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खान, तैमूर। ठीक है, सबसे पहले महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गौरी, चंगेज खान, तैमूर। वह मुस्लिम शासक जिसके जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी, ये था मोहम्मद गौरी। भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गौरी जिसने बंगाल बिहार पर विजय प्राप्त की थी, बख्तियार खिलजी का दास। अब बात कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत, इसमें बात करते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि आप जानेंगे ये बहुत बड़ा दानी था, समझ रहे हैं? इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद थी। क्या थी? एक मस्जिद थी। प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने। याद रखिए, इसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बाकी इन्होंने भी आगे इसे बढ़ाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, जो आप पाकिस्तान में है। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई चौगान की क्रीड़ा के दौरान अस्त्र से गिरने के कारण, चौगान खेलते समय। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया, ये था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश, याद रखिए इसे वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं गुलाम वंश का, इल्तुतमिश को। गुलाम का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। मंगोल आक्रमण चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आया था इल्तुतमिश के काल में, इल्तुतमिश के समय। मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए थे इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खान का मूल नाम था तैमूचिन। ठीक है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। रजिया बेगम को सत्ता, यानी कि सत्ता से हटाने में करने में हाथ था तुर्कों का। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली के सुल्तान बलबन का क्या पूरा नाम था? गयासुद्दीन तुगलक बलबन। दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई, ये था बलबन। ये कई बार पूछे भी लिया गया है, रक्त और लोहे की नीति अपनाने वाला शासक कौन था? बलबन। कथन ए कारण आर। कथन ए, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। बिल्कुल सही है, वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर की समुचित व्याख्या आर ए की समुचित व्याख्या आर नहीं करता है। ठीक है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने धारण की जिल्ले इलाही की उपाधि। किसकी? जिल्ले इलाही की उपाधि। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का वो आरंभ किया बलबन के ही समय से प्रारंभ हुआ था। बलबन के संदर्भ में सत्य कथन है, उसने नियामत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसने तुर्कान ए चहल गानी का प्रभाव समाप्त किया था। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था और नसरुद्दीन मोहम्मद महमूद ने उसे उलगू खां की उपाधि भी दी थी। याद रखिए, उलगू खां की, उलगू खां की। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवार पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। किसने? बलबन ने। फिर आप जानते हैं कि गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस जिस सुल्तान के लिए कहा था वह कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का स्थापना इसी ने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, माफ करिए, जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमान लोगों ने विरोध किया था, यह था अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का सुल्तान जिसने सिकंदर सानी की उपाधि मनोपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी, और खिलजी वंश का संस्थापक आपका जलालुद्दीन खिलजी था। ये अलाउद्दीन ने क्या किया था? उसे मार दिया था। ठीक है, आप जानते हैं कि सत्ता के लिए पहले होता रहता था, तो अपने चाचा को मार दिया था। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ती हुई मृत्यु हुई थी जाफर खान। जाफर खान रानी
पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। आप लोगों ने जो पद्मावत मूवी आई थी उसमें देखा भी होगा, देखिए अच्छी मूवी है। आप लोग इस तरह के इतिहास पर जो मूवी बनती है उन्हें देखा करिएगा, ठीक है। कथन ए, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थी, बिल्कुल सही है। कारण यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, आर गलत है, ये सही है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। कौन? रामचंद्र देव, वह सुल्तान जिसके काल में खालिचा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई, अलाउद्दीन खिलजी के। वह सुल्तान जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन की 85% तक कर दिया था, ये था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में सही कथन है, उसने क्रस्ट जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। दोनों कथन बिल्कुल सही है। कथन एक, कारण आ, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मोल नियंत्रण लागू किया था, ये बिल्कुल सही है। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना पड़ता था देना चाहता था, आर गलत है, ये सही है। वह सुल्तान जिसने बाजार सुधार लागू किया, ये अलाउद्दीन खिलजी। आप समझ रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार में भी सुधार लागू किए, मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया अलाउद्दीन खिलजी ने, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, घरी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? होम टैक्स था, आप समझ रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी सिंधु नदी। फिर आते हैं आपकी तुगलक वंश, कौन? तुगलक वंश। अलाउद्दीन खिलजी का वह सेना अध्यक्ष जो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना, ये था गाजी मलिक, ठीक है, इसका एक तरह से संस्थापक भी है। सबसे अधिक समय तक देश में राज किया तुगलक वंश के सुल्तानों ने। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासन शासक जो खगोल शास्त्र गणित आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, ये था मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। दीवान ए अमीर ए कोई का नया एक नया विभाग जिस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था वह था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जिसने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की और फसल चक्र की योजना बनाई थी, ये था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? दौलताबाद। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। कथन ए, कारण आर, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया, सही है। आर की आर को देखें अगर तो मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई और उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, आर गलत है, एक कथन है सही है और कारण गलत है। कथन ए, कारण आर, मोहम्मद तुगलक की पीतिक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई, बिल्कुल सही है। मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, उचित नियंत्रण ना होने के कारण ही तो ये योजना असफल हुई थी। मूर देश का यात्री इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है इब्न बतूता ने। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। वह शासक जिसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, ये मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में कहा था, ठीक है। वह सुल्तान जिसने बेरोजगारी को रोजगार बेरोजगारों को रोजगार दिलाया था, ये था फिरोज तुगलक। ऐसा शासक कभी चाहिए था, समझ रहे हैं आप लोग कि आप लोगों को धरना नहीं देना पड़ता। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों की सहायता रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। मुझे लगता है कि ये तो रट जाएगा, कभी भी पूछे जाएगा आप बता देंगे क्योंकि आप गुजर रहे हैं इससे। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था, और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैराज स्थापित किया फिरोज तुगलक ने। किसने? फिरोज तुगलक ने। वह सुल्तान जिसके जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, ये था फिरोज तुगलक।
मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में सही कथन है। बलबन ने पहले एक अलग आरेंज विभाग स्थापित किया, ये सही है। अलाउद्दीन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की है, ये दागने की प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका चचेरा भाई बैठा, बिल्कुल सही है। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था, ये सभी कथन आपके बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए सिविल सर्विस में आपको पूछ लेगा मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में सही कथन चुनना है आपको। एक दो तीन चार क्रम से दे देगा और आपको नीचे दे देगा ऑप्शन में, एक दो तीन सही है, एक दो सही है, एक दो तीन चार सही है, इसमें से कोई सही नहीं है। तो इस तरह से आपके सिविल सर्विस में बनेगा। और आपका वनडे एग्जाम में पूछू तो उसमें तो डायरेक्ट बन जाएगा कि पूछ लेगा कि आर्य विभाग की स्थापना किसने की थी, तो बलबन ने, इस तरह से समझ गए। या पूछ लेगा कि घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की थी किस शासक ने, अलाउद्दीन ने। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, यह फिरोज शाह तुगलक। हक की ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान था फिरोज तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था, ये था फिरोज तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोधी, शेर शाह सूरी में से वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे, तो ये था फिरोज तुगलक। टोपरा मेरठ से दो अशोक स्तंभ लेख लिए दिल्ली लाया था, ये फिरोज शाह तुगलक लाया था, टोपरा और मेरठ से अशोक के। ठीक है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उसने उससे दोनों समुदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, फिरोज तुगलक ने। किसने? फिरोज तुगलक ने। राज्य की खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था फिरोज तुगलक। कौन था? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा था एक खैराती अस्पताल। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था नसीर उद दीन महमूद, वह शासक जिसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, नसरुद्दीन महमूद के समय। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1398 में। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में राज स्थापित हुआ सियद वंश। एक बात और आपको बता दूं यार, आप खुद देखिएगा हमारे ऊपर कितने आक्रमण होते हैं मुस्लिमों के, अंग्रेजों के। आपका पूरा अभी से आप लोग देखना शुरू करिए, प्राचीन तो काल देख चुके आप लोग, मध्यकालीन देखिए और आधुनिक देखिए हमारी। लेकिन संस्कृति को कोई खत्म नहीं कर पाया, हमारे जो संस्कार रहे उन्हें कोई खत्म नहीं कर पा रहा पाया। लेकिन 1947 से अभी तक के युग में आप लोग देखिए कितना हमारी संस्कृति को ठेस पहुंचा, जितना हमारे अंग्रेजों मुस्लिम शासकों ने हमारी संस्कृति को धक्का नहीं दिया, उतना आने वाली हमारी पीढ़ी, एक तरह मीडिया ने कुछ आपकी जो बॉलीवुड मूवियां हैं और आपकी कुछ चंद नेताओं ने अपने मतलब के लिए हमारी पूरी संस्कृति को एक तरह से ठेस पहुंचा है। आप कहीं भी देखिए आपके संस्कार, वो जो भारत की आत्मा है वो दिखाई नहीं देगी आपको, समझ रहे हैं? जिसके लिए भारत आखिर जाना जाता था, कहा जाता है, कोई कभी कह रहा था हिंदी का मैंने देखा कि वो भारत तो रहेगा लेकिन भारत की आत्मा नहीं रहेगी। और आप जानते हैं कि जब इंसान में आत्मा ना हो और इंसान हो तो कोई मतलब नहीं है, वो अपने बारे में सोचेगा। चलिए, लोधी वंश, खिलजी तुगलक और सैयद तथा लोधी शासकों में से अफगान मूल के थे लोधी शासक थे। कौन थे? लोधी शासक। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों का सही क्रम है बहलोल लोधी, बहलोल खान लोधी। ये 1451 से 1489 तक सबसे पहले यही आता है, यही लोधी वंश की स्थापना करता है, संस्थापक है। सिकंदर लोधी, ये 1489 से 1517। इब्राहिम लोधी, 1517 से 1526। आप जाते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इसके इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, उसके बाद आप जानेंगे कि लोधी वंश खत्म हो जाता है। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को परास्त किया था खतौली के युद्ध में। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को कहाँ परास्त किया था? खतौली के युद्ध में। वह मध्य युगीन सुल्तान जिसे आगरा शहर की नींव डालने उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है, ये सिकंदर लोधी को, सिकंदर लोधी को। गुलरुखी उपनाम से अपने कविताओं की रचना की है सिकंदर लोधी ने। अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है सिकंदर लोधी को। सिकंदर पर दिल्ली पर शासन करने वाले
वंशों का सही क्रम है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ठीक है, बलबन इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक, इब्राहिम लोदी में से वह शासक जो गुलाम वंश का नहीं था, तो आप जानते हैं इब्राहिम लोदी नहीं था, इब्राहिम लोदी लोदी वंश का था। अब बात कर लेते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर राज्य की स्थापना कब की, किसने किसने की थी? हरिहर और पुक्का ने 1336 के करीब। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। अपनी मदुरा मदुरा विजय कीर्ति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? गंगा देवी। विजयनगर का वह पहला राजशासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था, यह था हरिहर सेकंड। कौन था? हरिहर सेकंड। सही कथन है नरसिंह नरसिंह सालोब ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीन कर सालोब वंश आरंभ किया। बिल्कुल सही है। वीर नरसिंह ने अंतिम सालो शासक को गद्दी से उतार कर राज सिंहासन छीना। बिल्कुल सही है। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। बिल्कुल सही है। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अध्युत देव राय थे। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है आपका। विजयनगर के राजा कृष्ण देव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जिस राजा के साथ लड़ा था वह है कुली कुतुब शाह। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे, आठ तेलुगु कवि, आठ तेलुगु कवि कृष्णदेव राय, राजेंद्र चोल, हरिहर तथा बुक्का में से वह जिसे आनंद भोज भी कहा जाता है, यह कृष्णदेव राय। कौन? कृष्णदेव राय। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन स्वर्णयुग था, यह था तेलो साहित्य का, तेलुगु साहित्य का। कृष्णदेव राय ने स्थापना की थी नांगलापुर नगर की। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर निर्माण हुआ था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। ठीक है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके समय हुआ था? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय सेकंड के राज्यकाल में। निकोली कोट्टी, निकोलो कॉन्टी इटली का एक यात्री था जिसने देवराय प्रथम के समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। निकोलो कॉन्टी किसके समय आया था और कहाँ का यात्री था? इटली का एक यात्री था। ये देवराय प्रथम के समय विजयनगर की यात्रा की थी। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं का। सोल 1516 में 1565 में प्रसिद्ध युद्ध हुआ था तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। ठीक है, जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक था वेंकट सेकंड। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। विजयनगर के शासक कृष्णदेव के कराधान व्यवस्था को से संबंधित सही कथन है भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती है होती थी। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। ये भी आपका बिल्कुल सही है। वह स्थान जहाँ की खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये है हम्पी। विजयनगर का शासक जिसने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था, यह बुक्का प्रथम ने। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, वह अवस्थित है हम्पी में। कहाँ? हम्पी में। दिल्ली सल्तनत प्रशासन, दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ और प्रशासन के बारे में जान लीजिए क्योंकि इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते रहते हैं। इतिहासकार वर्णी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना क्योंकि अधिकतर और आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर व सुल्तान थे तुर्क वर्ग के। किसके? तुर्क वर्ग के। दीवाने बंदगान फिरोज तुगलक, दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन, दीवाने कोई मोहम्मद तुगलक, दीवाने अर्ज बलवान। ठीक है, ये भी आपका दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन के लिए राजस्व विभाग, दीवाने अमीर कोई मोहम्मद बिन तुगलक कृषि विभाग से संबंधित था, दीवाने खैरात फिरोज तुगलक दान विभाग से, दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण विभाग से संबंधित। ठीक है, ये दीवान अर्ज सेना विभाग से संबंधित, दीवाने रियासत रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित, दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित, दीवाने वजारत ये वित्तीय
मामला से संबंधित था विभाग। ठीक है, वह राजवंश जिसके अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ, तुगलक राजवंश के समय, भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, खराज उस मुक्ति। भारत का मध्यकालीन शासक जिसने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी, इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। चौधरी सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई पर, जवाबित संबंध था राज्य कानून से, हदीस एक था इस्लामिक कानून। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ होता था एकतादारों द्वारा सरकारी सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं कौन थी? जीतल और टंका। जीतल टंका, टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया गया था ए इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी और जीतल थे, चांदी और तांबा भी। बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध। इसे भी देख लिया था, दिल्ली सल्तनत की कला और साहित्य को। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी फिरोज शाह तुगलक में से जिसने कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया, तो अलाउद्दीन ने नहीं दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया था, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने। आप जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो इसकी नींव ही रखी थी। वह सुल्तान जिसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था, यह था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, बलबन का मकबरा। बलबन का जो मकबरा बना था, ये प्रथम शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था। ठीक है, आगे आपका स्थापत एवं नगरों के निर्माण का सही कालक्रम है कुतुब मीनार, तुगलकाबाद, लोधी गार्डन, फतेहपुर सीकरी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे अभी कभी अभी कभी। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ राणा कुम्मा के शासनकाल में। ये स्थल हो गए, ये स्थापत्य। दिल्ली कुब्बत अल इस्लाम, जौनपुर अटाला मस्जिद, मौलाना जहाज महल, गुलबर्गा जामा मस्जिद, ये वास्तुशैली। समद राजवंश, मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर खिलजी। अष्टभुजीय मकबरों का उदय तुगलक के समय। स्तंभों में बोधिगोई का प्रयोग विजयनगर के समय। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार सरकी के समय राजवंशों से संबंधित है। अब साहित्य भी देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत का। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम है अलवरणी। कई बार पूछी जा चुकी है, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या है? अलवरणी। तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कासगंज के पटियाली में। स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने अग्रगामी की भूमिका निभाई खड़ी बोली के विकास में। दिल्ली के सात सुल्तानों का शासनकाल देखा था अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया ने। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो एक थे कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी व हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे अमीर खुसरो साहब। अमीर खुसरो मलिक मोहम्मद जारसी कबीर तथा अब्दुल रहीम खान खाना में से वह जिसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। अमीर खुसरो को हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्या के विद्वान थे। कौन? अमीर खुसरो। समझ रहे हैं, हर क्षेत्र में एक तरह से आगे थे। सही कथन है, हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह सिकंद द्वारा लिखा गया था। बिल्कुल सही है। भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। ये भी कथन आपका सही है। तबकात ए नासिरी का लेखक था मिनहाज उस सिराज। अरबी फारसी तुर्की और उर्दू भाषाओं में से वह भाषा है जिसे दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था, तो ये है फारसी भाषा। कौन सी? फारसी भाषा है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता है कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। सूची एक, सूची दो। जियाउद्दीन बरनी तारी के प्रोसाई, हसन निजामी, ताजुल मासिर, मिनहाज उस सिराज,
तबकात ए नासिरी, याहिया बिन अहमद, तारीख ए मुबारक शाही। शुमले करना है तारीख ए हिंद अलवरनी, तारीख ए दिल्ली खुसरो गरेला इब्न बतूता, तबकात ए नासिरी मिनहाज। बीड़ा ढोलक सारंगी और सितार में से वह संगीत वाद्य जिसे हिंदू व मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना है। इस सितार संगीत यंत्र तबला का विचलन किया गया अमीर खुसरो ने। किसने? अमीर खुसरो ने। जयचंद गहड़वाल, पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा और मानसिंह में से वह राजपूत राजा जो संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है, तो राणा कुंभा। कौन? राणा कुंभा। नाम हो गए, वो ग्रंथ हो गया संगीत। राणा कुंभा संगीत राज के नाम से। काशीनाथ शास्त्री अप्पा तुभासी, राग चंदिका, पुंडरीक विट्ठल रागमाला, कृष्णानंद व्यास राग कल्पद्रुम। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपना संस्मरण लिखा था ये था फिरोजशाह तुगलक, फिरोजशाह तुगलक था। ठीक है, अब दिल्ली सल्तनत के बारे में और कुछ पॉइंट दिए गए उन्हें भी देख लेते हैं। भारत में पोलो खेल का विचलन किया तुर्कों ने। भारत में पोलो खेलों का विचलन किसने किया था? तुर्कों ने। सूची एक सूची दो। फिरोज तुगलक नहरों का निर्माण, बलवन नौरोज इसने शुरू किया था, अलाउद्दीन दीवाने रियासत और जहांगीर सर थॉमस रो। यात्रियों को के पधारने का सही अनुक्रम है अलवरनी इब्न बतूता टेवर्नियर मनुवी ये सभी। ठीक है, दस्तार बंदान कहलाती थी उलेमा। शासक का सही क्रम है रजिया सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अकबर। ठीक है, बहादुर शाह गुजरात चांद बीवी बीजापुर, रजिया सुल्तान दिल्ली, बाज बहादुर मालवा से संबंधित थे। घटनाओं का सही क्रम है कुतुब मीनार का निर्माण, फिरोज तुगलक की मृत्यु, पुर्तगालियों का भारत आगमन, कृष्ण देव राय का शासन। आप जानते हैं कि पुर्तगाली हमारे देश में सबसे पहले आए थे और आप देखते हैं कि सबसे बाद में गए, समझ रहे हैं? सबसे एक तरह से लंबे समय तक यही रुके। आप देखते हैं 1960-61 में कुछ छोड़ कर गए हमारे भारत को कुछ पुर्तगाली, तो तब तक जमाए रहे हैं यार अपना हक। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं, कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार सबसे बड़ा वह यात्री जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में है यह इब्न बतूता। एक तरह से इब्न बतूता के बारे में यह पूरा कथन कहा गया है। कृष्ण देव राय आमुक्त माल्यद महेंद्र वर्मन मत विलास भैसन भोजदेव सम रांगण सूत सूतदार सोमेश्वर मानसोल्लास। ठीक है, सती प्रथा बाल विवाह जोहर प्रथा में से वह प्रथा जिसकी शुरुआत राजपूतों के समय हुई थी जोहर प्रथा। मालदर बसु हेमचंद सूरी फारसादी सारथी और सारण जैसे मध्यकालीन विद्वान लेखकों में जो जैन धर्म का अनुयायी था हेमचंद सूरी। कौन? हेमचंद सूरी था। ठीक है, सूची एक सूची दो। सुमिलित हैं पिलासी का युद्ध 1757 में, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में। देखिए आपका प्राचीन भारत के भी पॉइंट ले लिए गए हैं, तो जो भी है चलिए पढ़िए आपके काम के ही है। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। और कलिंग का ये आपका 261 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिए BC में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में ईस्वी में। तराइन का युद्ध 1192 में। तराइन का पहला विश्व युद्ध तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में, दूसरा 1192 में। ठीक, सूची और सूची दो। अकबर आइन ए दहसाला, मोहम्मद तुगलक, इतिक मुद्रा, इल्तुतमिश चहलगानी अमीर, शेरशाह सड़क ए आजम। 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था, मक्का की। किसकी? मक्का की। उत्तर भारत एवं दक्षिण की प्रांतीय राजवंशों के बारे में जान लेते हैं। जौनपुर नगर स्थापित किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में, याद में। जौनपुर नगर किसकी याद में बनाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक की। जौनपुर नगर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। सरकी तो सुल्तानों के शासनकाल में पूर्व का सिराज कहा जाता था जौनपुर को। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था जैन उल अबेदीन भी कहते हैं इसे। जैन उल अबेदीन मोहम्मद बिन तुगलक हुसैन शाह तुर्की सरकी और अकबर में से वह शासक जिसने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था जैन उल अबेदीन। जैन उल अबेदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की
प्रभावकारी विशेषता में शामिल थे। बुर्ज बौद्ध पगोडाओ के से समान फारसी शैली। मुनि सौंदर सूरी नाथा टिल्ला भट्ट मुनि जिन विजय सूरी में से वह विद्वान जो कुंभा के दरबार में नहीं था, मुनि जिन विजय सूरी। मध्यकालीन भारत राज्य और वर्तमान क्षेत्र चंपक, चंपा हिमाचल प्रदेश, दुर्गा ये जम्मू कश्मीर जम्मू में, कुलूत कुल्लू हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन ने, अलाउद्दीन हसन ने। बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी 1347 में, यानी कि 14वीं सदी में। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी थी गुलबर्ग। सूची एक, सूची दो। आदिल शाही बीजापुर, कुतुब शाही गोलकुंडा, निजाम शाही अहमदनगर, सरकी शाही जौनपुर। मुस्लिम शासकों में वह जिसे उसकी धर्म निरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी, इब्राहिम आदिल शाही। अकबर के निजाम शाही वंश का अंत हुआ अहमदनगर के मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाही को आजीवन कारावास दिया गया था। बाज बहादुर मालवा, कुतुब शाह गोलकुंडा, सुल्तान मोहम्मद मुजफ्फर शाह गुजरात, यूसुफ आदिल शाह बीजापुर। गोलकुंडा को वर्तमान में कहा जाता है हैदराबाद, हैदराबाद। काकतीय वारंगल, होयसल द्वारसमुद, यादव देवगुरी, पांड मधुरा। द्वारसमुद राजधानी थी होयसल राजवंश की। होयसल स्मारक पाए जाते हैं हलेबेड और बेलूर में। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वारसमुद्र का वर्तमान नाम है हलेबेड। वह स्मारक जिसमें वह गुम्बद जो संसार की विशालतम गुम्बदों में से एक है, यह गोल गुम्बद बीजापुर। इस स्मारक हो गए आपके, इस शासक हो गए। दोहरा गुम्बद सिकंदर लोदी, अष्टभुजीय मकबरा शेरशाह, सत्य मेहराबीय मकबरा बलवन, गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह। गुजरी महल बनवाया था किसने? मानसिंह ने। दक्षिण भारत के पोलीगार थे कौन थे? क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक, नियंत्रक। ठीक है, और अब जान लेते हैं भक्ति और सूफी आंदोलन से, क्योंकि इससे भी आप देखते हैं कई क्वेश्चन से बन जाते हैं, आप लोग हमेशा देखते रहते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था किसने? अलवार संतों द्वारा, अलवार संतों द्वारा। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ 15वीं और 16वीं शताब्दी में, 15वीं और 16वीं शताब्दी में। पानी शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, आप लोग जब भी सुबह उठा करिए कम से कम 500 से 1000 ग्राम, यानी कि कहने का मतलब कितना, 1 लीटर 500, ठीक है, आधा किलो भी कह देते हैं, आधा लीटर। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था संसार दुखमय है, संसार दुखपूर्ण है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछो, यह कथन किसने कहा था? रामानंद ने। सभी भक्ति भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, उन्होंने अपने वापी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। इससे ये आसानी होती थी कि आप समझिए कि सामने वाले समझ भी जाया करते थे। अब आप सोचिए कि आप ऐसे क्षेत्र में जाइए जहाँ के लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं और आप अंग्रेजी में वहाँ कुछ भी लिखिए, उन लोगों को थोड़ी समझ में आएगा। आप लोगों को वहाँ कॉमन भाषा चुननी होगी जो सबके लिए सबको आती हो, समझ रहे हैं। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत जिस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे वे हैं ध्यान साधना, श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया शंकर देव ने, किसने? शंकर देव ने। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तक किया शंकर देव ने, किसने? शंकर देव ने। रामानुजाचार संबंधित थे विशिष्टाद्वैत से, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था वल्लभाचार्य ने। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है चंपारण बिहार, चंपारण सत्याग्रह आप लोग सुनते हैं ना, 1917 गांधी जी वही है। अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज, द्वैतवाद माधवाचार्य और द्वैताद्वैतवाद इन निम्मा कर
निम्बार्काचार्य। ठीक, बीजक कबीर के उपदेशों का एक संकलन है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को वल्लभाचार्य ने प्रतिपादित किया था। सही है। दादू कबीर रामानंद तुलसीदास में से वह भक्ति संत जिसने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था, रामानंद। कबीर शिष्य थे रामानंद के। किसके? रामानंद के। मध्यकालीन भारत के कुंभन दास, रामानंद, रैदास, तुलसीदास में से वह संत जिसका जन्म प्रयाग में हुआ था, रामानंद का। कबीर एवं धर्मदास के मत संवादों के संकलन का शीर्षक था अमर मूल। मल्लुकदास एक संत कवि थे कड़ा के। संग घासीराम के पिताजी का नाम क्या था? महंगू, महलगु। ठीक है, आगे चलते हैं। सही कालक्रम है कालानुक्रम, शंकराचार्य, रामानुज, चेतन। भक्ति संतों का सही कालानुक्रम है कबीर 1398 से 1508, गुरु नानक 1469 से 1539, चेतन 1486 से 1434, सॉरी 1486 से 1534, मीराबाई 1498 से 1557 में, संतावन। ठीक है, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में स्थापित हैं 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। क्या कहते हैं? वैष्णव। अमृतसर, नावा, ननकाना और नांदेड़ में से वह स्थान जो गुरु नानक का जन्म स्थल था, ये ननकाना है। क्या है? ननकाना है। वह शासन जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है और उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत नानक का था। किसका? नानक साहब का था। लेकिन अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है, आगे देखिए क्या होता है। अभी तो आप देख रहे हैं जाति पातियों में कितने बढ़ चुके हैं हम लोग, और एक तरह से यही देश के पीछे होने का कारण भी बनता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जापान में देखिए जापानी मिलेंगे, चाइना में चीन मिलेंगे, चीनी, अमेरिका में अमेरिकी, रसिया में रसियन, लेकिन आप देखेंगे भारत में हिंदू मुस्लिम, ऊंची जाति फिर नीचे जाति, इस तरह से बटे रहेंगे, एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास की। प्रसिद्ध भक्ति कवियत्री मीरा के पति का नाम था राजकुमार भोजराज। राग गोविंद के रचनाकार हैं मीराबाई। दिए गए संतों का सही क्रम है कालक्रम, आप देखेंगे नामदेव, कबीर, नानक, मीराबाई। चैतन्य मीराबाई नामक और बल्लभाचार्य में से वह जो इस्लाम से प्रभावित था, नामदेव, वह जो उस समय उपदेश देता था जब लोधी वंश का पतन हुआ था और बाबर सत्तारूढ़ हुआ था, गुरु नानक। नामदेव दर्जी, कबीर जुलाहा, रविदास मोची, सेना नाई। चैतन्य महाप्रभु समृद्ध हैं वैष्णव संप्रदाय से। तुलसीदास समकालीन थे अकबर तथा जहांगीर के समय। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता हैं तुलसीदास जी। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, साहित्य रत्न में से वह रचना जो संत तुलसीदास की नहीं है तो साहित्य रत्न नहीं है, बाकी गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका इन्हीं की है, तुलसीदास की। ठीक, बरकरी संप्रदाय का संत था नामदेव। भक्त तुकाराम जिस मुगल सम्राट के समकालीन थे वह थे जहांगीर। नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज, वल्लभाचार्य में से वह जो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था, नागार्जुन नहीं था। ठीक है, तुकाराम थे, त्यागराज थे, वल्लभाचार्य थे। भारत में चिश्तिया समुदाय का प्रथम सूफी संत थे था शेख कुतुबुद्दीन कवेख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया और शेख सलीम चिश्ती सूफी संतों में से हुआ जो सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे। तो ये थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन, शेख जियाउद्दीन अबुल जीवा, ख्वाजा अबू अब्दाल एवं ख्वाजा बहाउद्दीन में से वह जो सूफी बाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक थे, ख्वाजा अबू अब्दाल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हरूनी के। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार थे राजा साहू शिवाजी के पुत्र। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। किसके? बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी स्थित है दिल्ली में। कथन एक, भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्व प्रमुख व्यक्ति है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बिल्कुल सही है, चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्ती से लिया था। गलत है, तो ए सही है इसमें, आर बिल्कुल गलत है।
वो एसओपी संत थे जिसकी जिसकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। तो ये था मुइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी शेख अब्दुल जिलानी और शेख मुइनुद्दीन तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में से हुआ है, जो चिश्ती सिलसिले से संबद्ध नहीं था, नहीं जुड़ा था। शेख अब्दुल जिलानी भारत का सादी कहा जाता है अमीर हसन को। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ग्यासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक में से हुआ है सुल्तान, जिसने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इंकार कर दिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इंकार कर दिया था। वह सूफी संत जो महमूद महमूद ए इलाही कहलाता था, शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, निजामुद्दीन। शेख मोहम्मद चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गंज ए सकर, शेख निजामुद्दीन औलिया में सिवाय सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया था, फरुद्दीन गज ए सकर। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते हैं फतेहपुर सीकरी में। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती को। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया और शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया दारा सिकू कादिरिया शेख शाहुद्दीन शाहबुद्दीन सोहरावर्दिया, ठीक है, इससे जुड़े हुए थे। भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में सही कथन है, शेख अहमद सरहिंदी अकबर एवं जहांगीर का समकालीन था, बिल्कुल सही है। शेख नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, बिल्कुल सही है। अकबर शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था, बिल्कुल सही है। भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख निजाम नियामतुल्ला और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई, ये भी सही है। रहीम निजामुद्दीन औलिया, मुइनुद्दीन चिश्ती और रस खान में से वह जो सूफी थे निजामुद्दीन औलिया और मुइनुद्दीन चिश्ती दोनों थे। चिश्तिया, सुहरावर्दिया, कदरिया और नक्शबंदिया सूफियों सूफीवाद के सिलसिलों में वह जो संगीत के विरुद्ध था, ये था नक्शबंदिया, ठीक है। शाह मोहम्मद गोस, शाह अब्दुल अजीज, शाह वली उल्ला तथा ख्वाजा मीरदर्द सूफियों में से जिसने कृष्ण को ओलिया के रूप में माना है, यह है शाह मोहम्मद गौस। उलेमा खानकाह शेख समा में से वह जिसका संबंध सूफी वाद से नहीं है, तो यह था उलेमा। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी रस खान ने। बल्लवाचार्य चेतन गुरु नानक और अमीर खुसरो में से वह जो भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है, तो अमीर खुसरो नहीं, ठीक है। बाकी बल्लवाचार्य चेतन गुरु नानक के सभी जुड़े हुए थे। बारहमासा की रचना की थी मलिक मोहम्मद जारसी ने। प्रति वर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली साहिब की मजार पर मेला लगता है देवा शरीफ में। कहाँ? देवा शरीफ में। क्राइस्ट का जन्म हुआ था बेतलेहम में, ठीक है। ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए हैं। वह ईसाई संत जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है, ये असीसी के संत फ्रांसिस। ईसाइयों की गुड फ्राइडे मनाया जाता है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने की याद में, ठीक है। ये आपके मुगल वंश से यानी कि मुगल वंश से संबंधित कुछ पॉइंट दिए गए। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे चगताई तुरक। चगताई तुरक बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया था सेवानी खान ने, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। याद रखिए बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। दूसरा आगे हम लोग बात कर लेंगे, फिर भी सुन लीजिए। पहला 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761 में, ठीक है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या है? उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत का प्रथम युद्ध खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध और पानीपत का तीसरा युद्ध में वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का तोप खाना इसका मेन कारण था। एक बात और आप लोगों से कह देता हूँ कि अगर मुझसे कहीं गलती हो जाती है किसी का आंसर बताने में, गलती किसी भी तरह की, तो आप नीचे सुधार कर लिख दिया करिएगा, ठीक है। यही सोच लिया करिए, मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकती है। बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की भी लड़ाई में पराजित किया 1526 में। 1526 में पानीपत
पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529 और चंदेरी का युद्ध 1528। ये आपका सिविल सर्विस स्टेट पीसीएस में कई बार क्वेश्चंस पूछ लिया गया, ये लगाने के लिए आ जाता है क्रम में, और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके बन जाते हैं। तो प्रथम पानी, ये सभी याद रखिए, किसके द्वारा लड़े गए? बाबर के द्वारा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1520, दूसरा खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529। ठीक है, एक और कह देती है, पानी पिन खाना खा चल घर, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। देखिए किसी भी तरह से आपको याद रखना चाहिए, मुझे तो लगता है आप कुछ भी कर सकते हैं। पानी पी खाना खा चल चंदेरी और घा घर। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप इस क्षेत्र में तैमूरी तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध और चंदेरी के युद्ध में से हुआ है, जिसमें बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी खानवा के युद्ध में। मेवाड़ का राजा जिसे 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, राणा सागा। किसे? राणा सागा को हराया था। बाबर का मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा था बाबर। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाही की पदवी धारण की थी काबुल में। किसमें? काबुल में। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन में सिद्धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से। ठीक है, बाबर ने अपने बाबरनामा में जिन हिंदू राज्य का उल्लेख किया वह मेवाड़ और विजयनगर। मेवाड़ और विजयनगर। कथन ए, बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा। कारण आर, तुर्की मुगल दरबार की राजा भाषा थी, तो ए सही है लेकिन आर बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप देखेंगे तुजुक ए बाबरी लिखा गया था तुर्की भाषा में। अयोध्या अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था मीर बाकी ने। इसी का विवाद चल रहा था, अभी आपने देखा अभी जाकर निर्णय हुआ। ठीक है, मीर बाकी ने। हुमायूं और शेरशाह, कामरान उस्मान और अस्करी हिंदाल में से हुआ, जो हुमायूं भाई नहीं था, उस्मान नहीं था। ठीक है, हुमायूं द्वारा लड़े गए चार प्रमुख युद्धों को का तिथि अनुसार सही क्रम है। दोराहे चौसा, चौसा का युद्ध बोलते हैं, कन्नौज दोराहे, फिर चौसा, कन्नौज और सरहिंद। ये याद रखिए, हुमायूं एक तरह से कहिए कि बहुत इसने अपने पहले भाइयों से युद्ध करता रहा, फिर वो ये जूझता ही रहा जिंदगी भर अपने, और जूझता ही जूझता मर गया। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, ने शिक्षा प्राप्त की जौनपुर से। बलवन अलाउद्दीन खिलजी इब्राहिम लोधी और शेर साहेब मध्ययुगीन शासकों में हुआ, जो उच्च शिक्षित था शेरशाह सूरी। बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, शेरशाह सूरी और इस्लाम शाह सूरी में से। वह सुल्तान जिसने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई बाद में सुल्तान, शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने। चांदी, शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार। ये सभी आपकी शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधार थे। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत वह शासक जिसके द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था, हुमायूं के। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था 1532 में। कब? 1532 में। अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था हाजी बेगम ने। किसने? हाजी बेगम ने। चांदी का सिक्का शुरू किया था शेरशाह ने, सूरी ने। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया का विनिमय दर था 64:1। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कलिंजर में, कलिंजर के घेरे में। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, ये कथन किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में। ये भी कई बार बन चुका है क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में। शेरशाह ने निर्माण करवाया था दिल्ली की किला एक कोहिना मस्जिद का। दिल्ली में पुराना किला की भवनों का निर्माण किया था शेरशाह ने। कृषकों की सहायता के लिए जिस मध्यकालीन भारतीय शासकों ने पट्टा एवं काबुलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी वह है शेरशाह। कौन? शेरशाह। अकबर के बारे में कुछ जान लेते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट। काबुल, लाहौर, सरहिंद, कालानोर में से वह स्थान जहां पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था, तो ये था कालानोर में, वहीं इसका एक तरह से अभी राज्याभिषेक कर दिया गया था। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे
हकीम खान। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए थे वह था कचवाहों से। ये शासक क्या किया करते थे, हर कोशिश इनकी संभव कोशिश रहती थी अपना विस्तार करने में, तो इस शादी का कहीं एक तरह से लाभ उठाते थे, यानी कि शादी विवाह करके भी अपना साम्राज्य बढ़ाते रहते थे। तो इस तरह इनकी हर नीति रहती थी बढ़ाने में। चिश्ती संत की दरगाह जहां पर अकबर दर्शन हेतु अधिक अधिक जाता था, मोइनुद्दीन चिश्ती, आदम खां, बैरम खां, बाज बहादुर और पीर मोहम्मद खान में से वह जिसे अकबर ने स्वयं मारा था, ये था आदम खां। तो राजपूताना का वह राज्य जिसने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी, तो ये था मेवाड़। क्या था, मेवाड़। ठीक है, वह राजपूत शासक जिसने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया, ये था मारवाड़ के राव चंद्रसेन। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती रानी थी मंडला अथवा गौड़वाना की। ठीक है, अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक तथ्य प्रशासकीय एकता और कानून की एकरूपता, सांस्कृतिक एकता का पर्यटन और उसकी धार्मिक नीति। अकबर की लोकप्रियता के कारण थे मनसबदारी पे था, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सुधार। वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, अकबर ने। किसने, अकबर ने। बाबर, हुमायूं, अकबर और औरंगजेब बादशाहों में से वह जिसको प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है, अकबर को। अकबर का शासन माना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। मीर बख्शी। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खान तुर्बती। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह उधार ली गई थी मंगोलिया में पिछली प्रणाली से, मंगोलिया में पिछली प्रणाली से। कथन एक कारण आ, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारी को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। बिल्कुल सही है, घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय वो उनको बदलना आवश्यक होता था। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। टोडरमल ने ख्याति अर्जित की थी भू राजस्व के क्षेत्र में। ये टोडरमल आपका किसके लिए मतलब प्रसिद्ध रहा है, भू राजस्व प्रणाली के। जप्ती, दहसाला, नसक और कानकुट में से वह व्यवस्था जिसे बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी आप जानते हैं, दहसाला को। टोडरमल संबंधित था मालगुजारी सुधारों से, इसे याद रखिए, ये भी मैंने देखा कई बार पूछ लिया गया। टोडरमल मालगुजारी सुधारों से संबंधित था। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में सिरसाए एवं अकबर के मध्य बीरबल टोडरमल और भगवान दास और भारमल में से वह जो निरंतर निरंतर की कड़ी था टोडरमल। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईन ए दहशाला पद्धति निर्मित की गई टोडरमल द्वारा। अकबर ने दीन ए इलाही प्रारंभ किया था 1582 में। अकबर ने दीन ए इलाही प्रारंभ किया था 1582 में। दीन ए इलाही का प्रचार किया था किसने, अकबर ने। अकबर ने, ठीक है। वह इतिहासकार जिसने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा, ये था अब्दुल कादिर बदायूनी। इबादत खान खाने का निर्माण करवाया था अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना था वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई महल, अकबरी महल में से वह स्मारक जो फतेहपुर सीकरी में नहीं था, अकबरी महल नहीं था। दिल्ली में स्थित वह ऐतिहासिक स्मारक जो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, हुमायूं का मकबरा। 16वें कुल का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था अकबर द्वारा। अकबर द्वारा अपनाई गई 16वें कुल सार्वभौम शांति भाईचारा की अवधारणा आधारित थी। राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर। वह मुगल बादशाह जिसके विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था, अकबर। कौन, अकबर के। कथन एक कारण आ, अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। सही है, यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया था। ए सही है परंतु आ गलत है। बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार और ताजमहल में से हुआ है इमारत जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था, बुलंद दरवाजा। जहांगीर शाहजहां, हुमायूं, अकबर में से हुआ मुगल सम्राट जिसने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे, ये था अकबर। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में। अकबर द्वारा बनाई गई वह इमारत जिसका नक्शा
बौद्ध विहार की तरफ है, तरह है, ये है पंचमहल। जहांगीर महल स्थित है आगरा में। अकबर का मकबरा कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको सिकंदरा में। दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला और इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला में से हुआ है जिस किला जिसका निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया। तो याद रखिए दिल्ली का लाल किला नहीं, और इलाहाबाद के किले को अंतिम किला था अकबर के द्वारा बनवाया गया। ठीक। बाबर 1526 से 30 काबुल, अकबर 1556 से 1605 सिकंदरा। इसके ये मकबरे हैं, ठीक है, जहां इनकी डेथ हुई। जहांगीर 1605 से 1627 लाहौर में, शाहजहां आगरा 1627 से 1658। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ था वह है फैजी। अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद और शेख मोहम्मद में से हुआ जिसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था, अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक था रजमनामा। वह जो अकबर के इच्छानुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किया वह है अब्दुल कादिर बदायूनी। मोहम्मद हुसैन मुकम्मल खां और अब्दुल समद वीर सैयद अली में से वह है जिसने सम्राट अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई, मोहम्मद हुसैन। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, हरि विजय सूरी। अबुल हसन दसवंत किशनदास उस्ताद मंसूर में से वह जो मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था, दसवंत। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारत राजा था अकबर। वह मध्यकालीन भारत लेखक जिसने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया था, अबुल फजल ने। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी व्यक्ति था रोल्फ हिंच। अकबर के शासनकाल घटनाओं का व्यवस्थित क्रम, जजिया की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, महजर पर हस्ताक्षर, दीन इलाही की स्थापना, ये सभी अकबर के शासनकाल में घटित हुई घटना है। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था 1576 में। अब जहांगीर के बारे में बात कर लेते हैं। दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा शुरू की थी, ये घोड़ों से संबंधित। जहांगीर ने मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में सही कथन है, जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे, मनसबदार अनुवांशिक नहीं होते थे। मनसबदारों के तीन वर्ग थे, ठीक है। मुगलों एवं मेवाड़ के राजा के मत चित्तौड़ की संधि जिसका शासक के शासनकाल में हस्ताक्षित हुई थी वह था जहांगीर के समय हुई थी चित्तौड़ की संधि, ठीक है, मेवाड़ के राजा राणा के बीच और जहांगीर के बीच। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले भेजा था किसे? हॉकिंस को, याद रखिए। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था विलियम हॉकिंस। जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था हॉकिंस को। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी विलियम हॉकिंस को, विलियम हॉकिंस को। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था जहांगीर के शासनकाल में। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो भारत आए थे 1615 में, 1615 ईस्वी में। जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था अजमेर में। भारत में इंग्लैंड का वह दूत जो जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था, थॉमस रो, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया वह है फ्रांसिस्को पेंसर्ट, ठीक है। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं, जहांगीर तथा बाबर। सम्राट जहांगीर को दफन किया गया लाहौर में। मुगल चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पहुंची जहांगीर के राज्यकाल में। जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी अबुल हसन को। वह चित्रकार जैसे नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की, मंसूर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। बाबा अकबर जहांगीर और औरंगजेब मुगल बादशाह में वह जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी वह था जहांगीर। अबुल फजल के हत्यारे पुरस्कृत किया था जहांगीर ने। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था खुर्रम, महावत खां और खुसरो ने, ठीक है। खुसरो जिस मुगल बादशाह का पुत्र था वह थे जहांगीर का ही पुत्र था। जहांगीर ग्यास बेग आसफ खां खुर्रम में से वह जो नूरजहां की गुट का सदस्य नहीं था, खुर्रम नहीं था। इत्मादौला का मकबरा आगरा में बनवाया था नूरजहां ने, किसने? नूरजहां ने। इत्मादौला का मकबरा आगरा में, इसे किसने बनवाया था? नूरजहां ने। निर्माता हो गए स्मारक, बाबर जामा मस्जिद, हुमायूं दीन पनाह, अकबर जहांगीरी महल, जहांगीर अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाना,
गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, ये दतिया में देखने को मिलेगा। अकबर का मकबरा सिकंदरा, जहांगीर का मकबरा शाहजहां, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलते हैं शाहजहां के बारे में जान लेते हैं। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी कंधार। क्या थी? कंधार। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। शाहजहां के बल्क अभियान का उद्देश्य था काबुल की सीमा से सटे बल्क और बदख्शां खासान में एक मित्र शासक को लाना। वह जिसने बनारस और इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा करके समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था, ये थे कबींदाचार्य। ठीक है, कलीम काशी कुदसी और मुनीर में से वह जो शाहजहां के शासनकाल में राजकवि था कलीम। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम, मुमताज महल। हिंदू ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है ताजमहल में। वह मुगल बादशाह जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया शाहजहां का। अकबर जहांगीर शाहजहां और औरंगजेब में से वह जिसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, यह शाहजहां। स्मारक हो गया निर्माता। अलाई दरवाजा किसने? अलाउद्दीन खिलजी। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी अकबर ने। मोती मस्जिद आगरा शाहजहां ने। मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब ने। एक पॉइंट यहाँ नोट करिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है, हम गलत कर बैठते हैं। मोती मस्जिद आगरा की अगर आपसे पूछे तो शाहजहां, मोती मस्जिद अगर दिल्ली की आपसे पूछे तो औरंगजेब। ठीक है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किए जिस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था वह है शाहजहां। शाहजहां ने साहिब बुलंद इकबाल की पदवी दी थी दारा सिकोह को। दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था, सिर ये अकबर शीर्षक के अंतर्गत। अमीर खुसरो दारा सिकोह, अमीर हसन सुजा में से हिंदू धर्म ग्रंथों का अत्यंत अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था दारा सिकोह। बी ए स्मिथ और जे एन सरकार, ए एल श्रीवास्तव में से वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा, ए एल श्रीवास्तव, ए एल श्रीवास्तव ने। ठीक है, सुप्रसिद्ध कोहिनून हीरा शाहजहां के को उपहार में दिया था मीर जुमला ने। किसने? मीर जुमला ने। अब कहाँ है? अब कहते हैं कि पेटेंट में है कोहिनूर हीरा, तो अब पता नहीं अब कहाँ है। वह मुगल बादशाह जिसने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया गया था शाहजहां। दारा सिकोह मुराद बख्श और शाह शुजा और औरंगजेब में से वह जो शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था औरंगजेब। एक और याद रखिए, अगर कोहिनूर हीरा अभी हमारे यहाँ का जो था ये ब्रिटेन में है तो हमें लेना चाहिए, हमें मालूम तो चलना चाहिए कि आखिर कैसा था, हम लोग भी तो देखें जो इतने सालों चर्चा में बना रहता है। औरंगजेब कथन एक कारण आर, मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ, बिल्कुल सही है। ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम का पालन किया गया था, बिल्कुल गलत है। ए सही है आर गलत है। अकबर जहांगीर शाहजहां औरंगजेब में से वह मुगल बादशाह जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ औरंगजेब का। याद रखिए औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। धर्मठ का युद्ध लड़ा गया था औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में के धर्मठ के युद्ध में पराजित किया था, धर्मठ स्थित मध्य प्रदेश में। मुगल शाहजहां जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था सुलेमान सिकोह। औरंगजेब का वह पुत्र जिसने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्लभ कर दी थी अकबर। वह मुगल सेनापति जिसके साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे जयसिंह। वह मुगल बादशाह जिसको जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय की थी 1686 में। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों का को विजय किया था वह बीजापुर और गोलकुंडा। वह शासक जिसके अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे औरंगजेब। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की औरंगजेब ने। जजिया जिसके शासनकाल में पुनः लगाया गया वह है औरंगजेब के समय। औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लामी। ठीक है, बीवी का मकबरा निर्माता था औरंगजेब। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है, रबिया उद दौरानी का मकबरा।
इसे द्वितीय ताजमहल भी कहते हैं। जहां आरा रोशन आरा गोहर आरा मेहरुन्निसा में से वह जो सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी मेहरुन्निसा। औरंगजेब ने शाहीबाद उच्च जवानी जमानी की उपाधि प्रदान की जहां आरा को। संत रामदास को संबंधित किया जाता है औरंगजेब के शासनकाल से। मुगल कालीन प्रशासन, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को जाना जाता है सरकार के नाम से। मुगल काल में सेना का प्रधान था मीर बख्शी। मुगल शासनकाल में मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। वर्नियर करेरी मनुची और टेवर्नियर में से हुआ जिसने मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था मनुची को। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था लोक आचरण अधिकारी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खासतौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य है, इसमें 33 वर्ग थे। उन्हें मशरूत अथवा सशर्त सशर्त पद प्राप्त होते थे। उनका सवार पद जात पद से अधिक नहीं हो सकता था। समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। बिल्कुल सही है। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है भू राजस्व का। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग का निषेध लगाया था जहांगीर ने। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि की। कथन एक कारण आर मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी। सही है, मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। ये आपका गलत है। कथन ए सही है लेकिन कारण गलत है। ठीक है, आगे है आपका कथन ए। सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। बिल्कुल सही है। मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे। उनका वर्गीकरण भी होता था। ए आर दोनों आपके सही है। भोज सिद्धराज जय सिंह जैन उल अबिदीन तथा अकबर में से हुआ जिसने राम सीता की आकृतियां और राम सीय देव नगरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए ये था अकबर। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। मध्यकाल में बटाई शब्द का प्रयोग होता था लगान निर्धारण का तरीका होता था। ठीक है, मुगल कालीन संगीत और चित्रकला के बारे में अगर हम बात करें तो मुगल चित्रकला के विषय में सत्य कथन है। योद्ध दृश्य पशु पक्षी प्राकृतिक दृश्य तथा दरबारी चित्रण। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था हुमायूं ने। चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। पहाड़ी राजस्थानी कांगड़ा और कालीघाट में से वह कलम जिस पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा कालीघाट में। दस्तान एक अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया था अब्दुस्मद द्वारा। प्रसिद्ध जहांगीर चित्रकार थे अबुल हसन उस्ताद मंसूर फरोख फरूख रोक बेग बिशनदास अकारिजा मोहम्मद नादिर मोहम्मद गुराद मनोहर माधव गोवर्धन। मुगल चित्रकला ने उन्नति की है जहांगीर के शासन में। पहाड़ी स्कूल राजपूत स्कूल मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं यानी कि किसे की वो इंगित करते हैं चित्रकला की। किशनगढ़ शैली जिस कला के लिए प्रसिद्ध थी वह थी चित्रकला। वह एक संगीत वाद्य जिसे बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी वीणा अच्छा बजा लगता था। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है तोनी। तानसेन बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था और स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने स्थापित किए थे 5 संगीत अर्चना केंद्र। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन हरिदास। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ है? आगरा। ये याद रखिए, माफ करिएगा, ये ग्वालियर में है। तानसेन का मकबरा आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा क्योंकि ग्वालियर में ही तो इनका तानसेन का मकबरा ग्वालियर में होगा। कहाँ? ग्वालियर में, क्योंकि आप जानते हैं ग्वालियर का महाराजा रहा है, एक तरह से शासक रहा है। ठीक है, तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। रामतनु पांडे क्या होता है, कभी कभी गलती हो जाती है, मिसप्रिंट हो जाता है।
आपको याद होना चाहिए कि अकबर के शासनकाल में 1562 से 1586 तक तानसेनों के दरबार में संगीतकार भी रहे हैं, ठीक है। और मोहम्मद गौस का मकबरा भी आप देखेंगे ग्वालियर में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। एमपी का शहर है ग्वालियर। हुमायूं जहांगीर और अकबर, जहां शाहजहां में से वह मुगल शासक जिसके जिसने लला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी, अकबर ने। किसने? अकबर ने। मुगल कालीन साहित्य भी देख लेते हैं। गोलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। वह महिला जिसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखी, गोलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचना की थी गोलबदन बेगम ने। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था स्थापित किया गया था महम अनंगा द्वारा। हितोपदेश का फारसी अनुवाद किया गया था ताजुल माली ने। हसन निजामी ताजुल मासीर ख्वादा मीर हुमायूं नामा मोहम्मद काजिन आलमगीर नामा भीमसेन नुस्खा ए दिलकुशा संबंधित एक दूसरे से हैं, ठीक है। सही सुन लेना है। आलमीर नामा मिर्जा मोहम्मद काजिम तबकाती अकबरी निजामुद्दीन अहमद चहार चमन चंदभान ब्रह सम्मन इकबाल नामा जहांगीरी मो अतमद खान अब्दुल फजल फेजी और अब्दुल रहीम खान खाना अब्दुल कादिर बदायूनी में से वह जिसने हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया अब्दुल रहीम खान खाना। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी थे शाहजहां के शासनकाल शासन के एक राजकीय इतिहासकार। शाहजहां के लेखक थे शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? इनायत खान। बाबर तुझे के बाबरी गुलबदन बेगम हुमायूं नामा अब्बास खान सरवानी तारिक सिरसानी निजामुद्दीन अहमद तबकाती अकबर, ठीक है। अनवर ए सुहाइली नामक ग्रंथ अनुवाद है पंचतंत्र का। अब्दुल फजल द्वारा अकबर नामा पूरा किया गया था 7 वर्षों में। मुगल दरबार में दरबारी तथा अदालती भाषा थी फारसी। नस्तालीक एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। कवि हृदय वह राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे राजा सावंत सिंह। महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका रस रसक प्रिया की रचना की थी केशव ने। किसने? केशव ने, ठीक है। मुगल काल के विविध कुछ महत्वपूर्ण और पॉइंट हैं। जहांगीर विलियम होंगकॉन्ग से आया था जहांगीर के साथ समय में अकबर में फिलियम फ्रेंच शाहजहां के टेवर्नियर औरंगजेब के में मनुची ये विदेशी थे अंग्रेज थे, ठीक है। हॉकिंस 1608 से 1611 के बीच। टॉमस रो 1615 से 1619 मनुची ये 1653 से 1708 के बीच। राल्फिस 1585 से 1586 में आया। मुगल शासक का सही कालानुक्रम था जहांगीर मोहम्मद शाह अहमद शाह अब्दाली बहादुर शाह सेकंड। चार चार बाहरी आक्रमणों का व्यवस्थित क्रम है चंगेज खान तैमूर नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली। सत्य कथन है अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा। कुतुबुद्दीन ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। औरंगजेब ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा। जहांगीर सौंदर्य और प्रकृति का प्रेमी था। इन सभी कथन बिल्कुल सही है। नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम किया गया था 1739 में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में। हेमू और अकबर के बीच पानीपत का दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। देख लीजिए जिन जिन के बीच हुआ है प्रथम युद्ध द्वितीय युद्ध पानीपत का तृतीय युद्ध उनकी डेट भी दी गई उनके नाम भी दिए गए। पहला युद्ध आपका 1526 किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम। द्वितीय युद्ध पानीपत का 1556 हेमू और अकबर के बीच। तृतीय 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। हेमचंद विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं हेमू के नाम से। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, पहला आपने देखा था 1191 में। औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 1761 में। अकबर की मृत्यु होती है 1605 में। हल्दीघाटी का युद्ध अकबर और राणा प्रताप दोनों के बीच हुआ था। बेलगाम का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। खुसरो का विद्रोह जहांगीर के समय। खानवा का युद्ध बाबर राणा सागर के विरुद्ध हुआ, ठीक है। ये भी सही सम्मिलित हैं। सूची एक सूची दो। 1556 अकबर का राज्यारोहण। 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया। 1680 में शिवाजी का देहांत। 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। हल्दीघाटी का युद्ध 1576।
तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, असीरगढ़ का युद्ध 1601, ठीक है। आता अली खान नाम दिया गया तानसेन को। एकता दिल्ली के सुल्तान, जागीर मुगल, अमरम विजयनगर, मुकासा मराठों से संबंधित। काबुल मक्का मक्का द्वार कहा जाता है सूरत को। मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया है पारसियों से। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वह स्थित है लखनऊ में। कालानुक्रम से व्यवस्थित है पद्मिनी, दुर्गावती, ताराबाई, अहिल्याबाई। सूची एक सूची दो। बाबर, जामी मस्जिद, हुमायूं, दीन पनाड़, अकबर, जहांगीरी महल और जहांगीर इतमाद उद्दौला का मकबरा बनवाया था इन्होंने। इमारतें होंगी शासक, कुतुब मीनार, इल्तुतमिश, गोल गुम्बद, मोहम्मद आदिल शाह, बुलंद दरवाजा, अकबर, मोती मस्जिद, औरंगजेब। मुगल काल के युद्धों का सही कालक्रम है खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध और साहूगढ़ का युद्ध, ठीक है। ये भी पूछ लेते हैं आके, क्या क्या नाम क्या क्या पढ़ा जाए कहीं। स्मारक हो गए निर्माता, अलाई दरवाजा दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी अकबर के समय, मोती मस्जिद आगरा शाहजहां, मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब, ठीक है। मुगल काल में मुलिम था व्यापारिक जहाजों पर बैठने वाला एक कर्मचारी। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारी सामान्यता थे व्यापारी, बंजारों व्यापारी कहते थे बंजारों को, ठीक है। सिख संप्रदाय की बात कर लेती हैं। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था गुरु अंगद को। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था गुरु रामदास ने, वह सिख गुरु जिसे अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी, ये थे रामदास। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ से कर्पूर सिंह दल खालसा और गुरु अमरदास मंजी, वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी, गुरु अर्जुन देव की। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया गुरु अर्जुन देव ने, किसने? गुरु अर्जुन देव ने। वह सिख गुरु जिसने जिनको तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को, ठीक है। वह सिख गुरु जिसकी मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है, गुरु तेग बहादुर की, ठीक है। हेमकुंड, ताराकुंड और ब्राह्मण कुंड में से वह स्थान जिस पर एक प्रसिद्ध सिख गुरु द्वारा अवस्थित है हेमकुंड। गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी किसने? मृत्युदंड दिया था जहांगीर ने, ठीक है। और औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को। जिन सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था वह थे गुरु गोविंद सिंह। वह जिसने जिसने जिनकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, गुरु गोविंद सिंह की। गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इनमें इसमें कि उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। खालसा पंथ का प्रारंभ हुआ था 300 वर्ष पहले। वह सिख गुरु जिसने खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्ष्मण देव, लक्षण देव। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था दलीप सिंह, दिलीप सिंह, दलीप सिंह, ठीक है। मराठा राज्य और संघ भी देख लेते हैं। मराठों के उत्कर्ष के कारण धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति, उच्च नेतृत्व शक्ति। शिवाजी ने मुगलों को हराया था सलहार के युद्ध में। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 में। वह सेनानायक जिसने बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था अफजल खां को। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय जिस समय नगर में कैद थे वह था आगरा, ठीक है। शिवाजी की राजधानी क्या थी? रायगढ़। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? रामदास। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी मराठा प्रशासन में। शिवाजी के समय सनोवाद का पद संबंध था सैन्य प्रशासन से। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमंत। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद जिसके राज प्रबंधन में सहायता करती थी वह थी शिवाजी। कथन राज के मामले में शिवाजी एक मंत्रिपरिषद से परामर्श लेते थे, बिल्कुल सही है। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था, ये गलत है, यानी कि कथन सही है कारण गलत है। संभाजी के बाद मराठा शासक को सरल और कारगर बनाया बालाजी विश्वनाथ ने। पेशवाओं का शासन का सही क्रम था बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव और फिर बालाजी बाजीराव और माधवराव। सही कालानुक्रम है संभाजी राजा राम, शिवाजी सेकंड, छत्रपति साहूजी। सही कथन है
1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया। बिल्कुल सही है। कारण शाहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। ये भी सही है, ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व हाथों में था ताराबाई के। अहिल्याबाई, मुक्ताबाई, ताराबाई, रुक्मणी बाई मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह थी ताराबाई। सरंजामी प्रथा संबंधित थी मराठा भू राजस्व प्रणाली से, प्रथा से। ठीक है। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वह था काशीराज पंडित साहब। ठीक है। अहमद साय अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण था वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराया था अफगानों ने। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा था 14 जनवरी 1761 को मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। गुलाम कादिर रोहिला, नजीब खान, अली मोहम्मद खान और हाफिज रहमत खान में से वह रोहिला सरदार जो अहमद शाह अब्दाली का विश्वासपात था, यह था नजीब खान। मौड़ी लिपि का प्रयोग किया था मराठों के विलेखों में। बात कर लेते हैं मुगल साम्राज्य का विघटन कैसे हुआ। आप जानते हैं जिसका उदय हुआ उसका अस्त भी होना है। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली बहादुर शाह प्रथम ने। मुगल सम्राट जहांगीर शाह के शासन के समय से पूर्व का अंत का कारण था। एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए। एक बात और याद रखिए, आप जानते हैं कि बाप दादा कितना भी कुछ भी बढ़ाते रहे जब बेटे नालायक निकलते हैं तो दुबाही देते हैं। ठीक है। अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह और फर्रुख सियर में से वह मुगल सम्राट जिसने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की है फर्रुख सियर है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था मोहम्मद शाह। वह शासक जिसने शासन में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व किया यह था मोहम्मद शाह। 1719 से 1748 वह मुगल बादशाह जो रंगीला के नाम से जाना जाता है मोहम्मद शाह को। वह मुगल बादशाह है जिसको वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, शाह आलम द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था? अकबर शाह सेकंड। अवध का प्रथम नवाब था सादत खान। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था चिनविलियत खान। वह जिसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी जयसिंह ने, जयसिंह द्वितीय ने। महाराजा जयसिंह ने द्वितीय ने वेधशालाएं बनवाई थी दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी। याद रखिए दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी। 1773 में जेज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्र संबंधी ज्ञान से संबंधित थे इसके लेखक कौन थे? जयपुर के सवाई जयसिंह, जयपुर के सवाई जयसिंह। तो ये कहानी थी आपके मध्यकालीन भारत की। अब एक पार्ट और बचता है आपका आधुनिक भारत, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसे भी हम लोग एक सेपरेट क्लास में कवर कर लेंगे। और इसी के साथ आपका क्या हो जाता है, पूरा कवर हो जाएगा रिवीजन की पॉइंट व्यू से। ठीक है। और जिस समय भी आप पेपर देने जा रहे हो कभी भी किसी भी परीक्षा का, उसके लिए इसी को पढ़ के आपको चला जाना है फट से फट। ठीक है। साल भर आपको पढ़ना है विस्तार से और लास्ट में आप लोगों को इनसे पढ़ के और बिंदास जाना है। ठीक। चलिए तो मिलते हैं हम लोग आधुनिक भारत में।